सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिशा टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक ब्लूटूथ स्पीकर, और गाइस हम इसमें यूज़ करेंगे पीवीसी पाइप को और एक ब्लूटूथ मॉड्यूल और एक एम्पलीफायर, छोटा एक एम्पलीफायर मॉड्यूल आपको दिखाएंगे वीडियो में, उसका कनेक्शन कैसे करेंगे वो भी दिखाएंगे। और गाइस, हम जो पर पीवीसी बॉक्स को यूज़ करेंगे उसके हमने पहले ही काटिंग, सभी जो काटिंग होता है स्पीकर काटिंग और इसका जो लुक होता है सभी हमने पहले ही सभी उसको पहले ही कर लिया है, क्योंकि इस वीडियो में आप करेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा, वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो गाइस, इसलिए हमने इसको पहले ही कर लिया है, और जो मेन जो कनेक्शन होता है उसको वीडियो में दिखाएंगे आप कैसे करना है। और गाइस, उसको हमने पहले जो लास्ट में उसमें पेंट भी कर लिया है अच्छा दिखने के लिए, और लास्ट में हमने इसको चेक करके भी दिखाया है कैसे इसको चलता है, साउंड कैसा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो पीवीसी पाइप का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे वो गाइस इस टाइप का एक पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करेंगे, और गाइस हमने यहाँ पर जो जो कंपोनेंट लगाया है उसके बारे में भी डिटेल्स जानकारी आपको देंगे। ओके, और गाइस सबसे पहले आप यहाँ पर एक पीले कलर का होल यहाँ पर देख सकते हैं, वो गाइस हमने क्यों किया है, जो स्पीकर का हवा अंदर होता है वो गाइस यहाँ पर यहाँ से बाहर आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर वो होल किया हुआ है साउंड क्वालिटी अच्छा करने के लिए। और गाइस हम यहाँ पर एक आप देख सकते जो सफ़ेद कलर का चार्जिंग पॉइंट है वो गाइस आप यहाँ पर 5 वोल्ट का एडाप्टर से जो मोबाइल चार्जर होता है उसी से आप इसका चार्ज कर सकते हैं। और गाइस जब आप इसमें चार्ज करेंगे तो गाइस उसका ऊपर जो रेड कलर का LED देख रहा होगा वो गाइस ब्राइट करेगा। ओके, और गाइस बिल्कुल उसके नीचे जो ब्लैक कलर का आपको स्विच दिख रहा होगा वो गाइस हमने यहाँ पर जो ब्लूटूथ इस मॉड्यूल लगाया है उसके लिए हमने यहाँ पर जो स्विच का इस्तेमाल किया है, और उसके ऊपर जो LED आपको दिख रहा होगा वो गाइस जब ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन होगा तब उसको ब्राइट करेगा। ओके, वो LED। और गाइस बिल्कुल सबसे नीचे जो रेड कलर का स्विच आपको दिख रहा होगा STSP स्विच उसको कहते हैं वो गाइस हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है एम्पलीफायर को रन करने के लिए, ठीक है। और गाइस उसके ऊपर जो LED आपको दिख रहा होगा वो गाइस ब्राइट करेगा जब हमारा एम्पलीफायर चलेगा, जब ब्लूटूथ स्पीकर चलेगा वो जलेगा। ओके, 3 LED का यही काम है और स्विच का भी यही काम है, हमने यहाँ पर बता दिया है। ओके गाइस, और गाइस यहाँ पर आप इसका फ्रंट लुक देख सकते हैं, हमने पहले जो इसका पीछे वाला हिस्सा है उसका हमने पहले ही पैक कर दिया है, उसका हम दोबारा से ओपन नहीं करेंगे, और ऊपर से जो हमने होल यहाँ पर रखा हुआ है वहाँ से हम सभी कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे। और गाइस हमने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट नहीं किया है, बाद में यहाँ पर बैटरी कनेक्ट को कर देंगे। और गाइस आप यहाँ पर जो कंपोनेंट हमने यहाँ पर यूज़ किया है स्विच LED सभी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका काटिंग कैन कैसे हमने किया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पर हमने जो कंपोनेंट यूज़ किया है आप गाइस यहाँ पर नज़दीक से देख सकते हैं, जो कंपोनेंट हमने यहाँ पर यूज़ किया है और कनेक्शन कैसे किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पर आप एम्पलीफायर सर्किट को देख सकते हैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पर आप 5 वोल्ट इनपुट करेंगे, आप दिखा रहेगा यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट करने के लिए मिलेगा, और गाइस हमारा जो ब्लूटूथ सर्किट से LR आएगा उसको यहाँ पर कनेक्ट करना है, और ऊपर साइड यहाँ पर 2 स्पीकर आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर कनेक्शन करना है, और गाइस आप इसका पीछे इसका नंबर देख सकते हैं PAM8403 इसका नंबर है। और गाइस यहाँ पर हमने इस टाइप का 2 स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर वायर कनेक्शन कर लिया है। सो गाइस यहाँ पर जो 2 बोर्ड आप देख रहे हैं वो गाइस जो छोटा वाला बोर्ड है वो ब्लूटूथ के लिए है, और गाइस जो बड़ा वाला बोर्ड है वो एम्पलीफायर के लिए। और गाइस हमने यहाँ पर जो वायर कनेक्ट कर रखा है सफ़ेद और रेड कलर का 4 वायर कनेक्ट किया है वो गाइस स्पीकर के लिए है, स्पीकर को हमने पहले ही दिखा दिया था, यहाँ पर इस टाइप से आपको वायर कनेक्शन कर देना है। और गाइस यहाँ पर जो ब्लूटूथ के प्लस और माइनस है जहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट होगा वहाँ से हमने जो ग्राउंड होता है जो ब्लैक वायर कहते हैं उसको, ग्राउंड को हमने एक कनेक्शन कर दिया है। और गाइस आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं
जो दो रेड कलर का वायर है बाहर से, हमने एक एम्पलीफायर का लिया है, एक रेड कलर का वायर, और गैस एक ब्लूटूथ का रेड कलर का वायर है, और जो कॉमन हमने माइनस को कॉमन कर दिया है। क्यों लिए? क्योंकि गैस हम यहाँ पर दो स्विच का इस्तेमाल करेंगे, एक स्विच से हमारा ब्लूटूथ एम्पलीफायर ऑन होगा, और गैस जो दूसरा स्विच है STSC जिस स्विच का हमने यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो गैस एम्पलीफायर को ऑन करेगा। तो गैस इसलिए हमने यहाँ पर जो दो दो प्लस वायर अलग से लगाया है, ठीक है, इसका प्लस और माइनस को हमने यहाँ पर ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, माइनस को दोनों को माइनस एक साथ कर दिया है और दोनों को प्लस अलग अलग रखा है, ठीक है। 3 बार हमने यहाँ पर पावर के लिए निकाला है। और गैस आप इसका पीछे देखेंगे कि गैस जो LRR होता है, LR ग्राउंड जो ऑडियो इनपुट के लिए होता है, उसका कनेक्शन कैसे करना है आपको दिखाएंगे, ओके। सो गैस यहाँ पर आप इसका पीछे देख सकते हैं, और गैस यहाँ पर जो दो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया है, यहाँ पर सभी में इसका जहाँ पर कनेक्शन करना है सभी यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर इस पर आउटपुट है इनपुट है सभी पहले लिखा हुआ है। लेकिन गैस हमने वीडियो में फिर से एक बार बोल दिया है कैसे हमने यहाँ पर कनेक्शन किया है। और गैस आप यहाँ पर देख सकते हैं जो LOUT लिखा है, ग्राउंड लिखा है और ROUT लिखा है, यह से हमने तीनों वायर को इस टाइप से कनेक्शन कर दिया है, ओके। सोल्डिंग के माध्यम से कनेक्शन किया है, और को हमने कनेक्शन नहीं किया, और इसे सोल्डिंग से दोनों को बोर्ड को इस टाइप से कनेक्शन कर दे। और गैस जो रेड कलर का और आपको बता रहा था जो बैटरी के लिए है, इस टाइप से एक ब्लूटूथ का एक प्लस ले लिया है और एम्पलीफायर बोर्ड का एक प्लस ले लिया है, और दोनों को जो माइनस है दोनों को एक साथ कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो रेड कलर का और आपको पहले ही बता दिया था स्पीकर के लिए है, ओके। और यहाँ पर पावर के लिए 3 वायर हमने निकाला है, एक प्लस सॉरी जो 2 प्लस 1 माइनस 3 वायर, ओके। सो गाइस यहाँ पर हमारा जो ब्लूटूथ स्पीकर बॉक्स था हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। आप गाइस इसका लुक देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको पेंट किया है, और गाइस यहाँ पर हम जो सभी कंपोनेंट को यहाँ पर चालू कर दिया है, ठीक है। अब गाइस इसका बारी है इसका साउंड टेस्ट के बारे में, आप गाइस इसका साउंड टेस्ट करेंगे कैसे इसका साउंड है, ओके। ऑटो ड्राइव मुझे आज लार के जवाब से ना बड़ा world of make-believe. Kids screaming in the code of profanities. I see the ice covered. I wanna taste the content. Hold you right and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is the one way gate to hell. I wanna take the solution. চলছে তখন দিয়ে तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना प्रेस हमारे यहाँ नए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, ओके। तो गाइस हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। वो गाइस हमारा दो फ्रेंड है, हमारा जो स्पीकर है उसके पास है, आप देख सकते हैं हम जहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। और गाइस आप यहाँ से एक ट्रेन जाएगा, जो ट्रेन होता है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके, कैसा उसका लुक आ रहा है दिखाएंगे, ओके। Just spin it.